ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 279 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप सभी एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन वीडियो क्लास में दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 119 ऑफ 279। ये जो हमारा एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट लिख लीजिए, या तो हैव रहेगा या तो हैज रहेगा, ठीक है, इस दोनों में से कोई एक। उसके साथ आप बीन लगाएंगे और जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में आईएनजी रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव बीन या हैज बीन रहेगा, ठीक है। आइए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वीडियो को पॉज करते हुए पहले आंसर आप खुद से बनाइएगा, मैं संग संग आंसर देता जाऊंगा तो मिलाते जाइएगा। मैं खाता रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। तुम कहते रहे हो, यू हैव बीन सेइंग। आगे देखिए, सीता सुबह से गाती रही है, सीता हैज बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग दो वर्षों से पढ़ते रहे हैं, They have been reading for 2 years. खुद से सॉल्व जरूर कीजिएगा। मैं सुबह से दौड़ रहा हूं, I have been running since morning. मैं 2006 ईस्वी से इस स्कूल में पढ़ रहा हूं, I have been reading in this school since 2006. हम लोग अनेक वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, We have been struggling for several years. तुम गत सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हो, यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे लास्ट, ठीक है। आइए आगे देखिए, वह 4 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ही हैज बीन preparing for the examination for 4 years. वह 8 घंटों से सो रही है, she has been sleeping for 8 hours. रीता 1979 ईस्वी से वकालत कर रही है, रीता हैज बीन प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर सिंस 1989. मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन waiting for you since morning. वे लोग घंटों से तैर रहे हैं, they have been swimming for hours. मैं अनेक वर्षों से देश की सेवा कर रहा हूं, I
have been serving the country for several years. वे गत सोमवार से बुखार से पीड़ित हैं. They have been suffering from fever since Monday last. आइए आगे देखते हैं. दो दिनों से वर्षा हो रही है. It has been raining for 2 days. मैं 9 बजे से व्यायाम कर रहा हूँ. I have been taking exercise since 9 o'clock. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है हैव बीन हैज बीन, इसके हिसाब से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग कुछ वोकैबुलरीज लिखेंगे. ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 119 ऑफ 279. वोकैबुलरी, कहना, टू से, टू टेल, अनेक वर्षों से, फॉर सेवरल ईयर्स. वोकैबुलरी लिखिएगा क्योंकि इससे आपका स्पेलिंग सही होगा, साथ ही साथ आप नए नए वर्ड्स याद कर पाएंगे. संघर्ष करना, टू स्ट्रगल, परीक्षा की तैयारी करना, टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, वकालत करना, टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर, टू एडवोकेट एज अ लॉयर, टू प्लीड एज अ लॉयर. घंटों से, फॉर आवर्स, तैरना, टू स्विम, सेवा करना, टू सर्व, बुखार से पीड़ित होना, टू सफर फ्रॉम फीवर, व्यायाम करना, टू टेक एक्सरसाइज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नोट्स बना लीजिए, सब अच्छे से लिख लीजिए. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से प्राय यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ वह अभी भी जारी है. कैसे पहचानेंगे? हिंदी की जिन क्रियाओं के अंत में ता रहा हूं, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, रहता है, उन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है. जैसे मैं खाता रहा हूँ, मैं खाती रही हूँ. ठीक है, आई हैव बीन ईटिंग. वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ती रही है, ही हैज बीन ईटिंग. लड़की रहेगी तो शी. ठीक है, यदि हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हूँ, रहा है, हो, और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द का प्रयोग हो, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से, 2005 ईस्वी से इत्यादि, तो इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा. जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया की बनावट कैसे होती है? हैव या हैज होगा, उसके साथ बीन और फिर वर्ब विद आईएनजी. अब यहाँ पे एक टेबल है, उसको देख लीजिए. संक्षिप्त सारणी, पर्सन आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर एकवचन, प्लूरल बहुवचन. फर्स्ट पर्सन में आई हैव बीन ईटिंग, प्लूरल वी हैव बीन ईटिंग. सेकंड पर्सन यू हैव बीन ईटिंग, और सिंगुलर और प्लूरल में भी यू हैव बीन ईटिंग. थर्ड पर्सन ही हैज बीन ईटिंग, शी हैज बीन ईटिंग, इट हैज बीन ईटिंग, राम हैज बीन ईटिंग, दे हैव बीन ईटिंग, द बॉयज हैव बीन ईटिंग. ठीक है, सिंगुलर प्लूरल आप देख लिए. देखिए आई के साथ हैव लगता है, ही हैज, शी हैज, इट हैज, यू हैव, वी हैव, दे हैव. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, हम आपको आगे भी लिखवाए हैं. अब जो स्टूडेंट लाइन से वीडियोस देखना चाहते हैं, हमारा जो नंबर है 9051378712, इसमें हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको सारे वीडियोस दे दिए जाएंगे. आइए सॉल्व एग्जाम्पल्स देखते हैं. मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग. वे लोग पढ़ते रहे हैं,
They have been reading. सीता इंतजार करती रही है. सीता has been waiting. सीता दो वर्षों से इंतजार करती रही है. सीता has been waiting for 2 years. मैं दो वर्षों से रह रहा हूँ. I have been living for 2 years. ध्यान से एक एक एग्जाम्पल को समझिएगा. वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं. They have been running since morning. मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ. I have been reading in this school for 10 years. हम लोग 2005 ईस्वी से अंग्रेजी सीख रहे हैं. We have been learning English since 2005. वह सुबह से टहल रहा है. He has been walking since morning. बच्चे 2 घंटों से हो हल्ला कर रहे हैं. The children have been making a noise for 2 hours. गीता गत मंगलवार से काम कर रही है. गीता has been working since Tuesday last. बच्चे घंटों से हो हल्ला कर रहे हैं. The children have been making a noise for hours. वह टहलता रहा है. He has been walking. ठीक है. समय सूचक शब्दों के पहले फॉर या सिंस का प्रयोग हुआ है, जैसे कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया के साथ किया है. अब देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. इसके आगे वाले वीडियोस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे. अगर आप चाहते हैं वो सारे वीडियोस आप पढ़ें, तो ये जो नंबर है 9051378712, इसमें मैसेज करिएगा, आपको सारे क्लासेस दे दिए जाएंगे. ठीक है.